न्यायधानी बिलासपुर से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के नामांकन रैली में शामिल होने पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने नक्सलियों को शहीद बताए जाने वाले बयान पर सफाई देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फेक न्यूज फैक्ट्री मेरे बयान को गलत तरीके से चला रही है। साल 2013 में झीरम घाटी में हमने कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को इन्हीं नक्सलियों के हाथ खोया था। क्या ऐसे नक्सलियों के साथ हमारी जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है? कांग्रेस ने अपने दो दो प्रधानमंत्री को हिंसा की बलि देवी चढ़ते हुए देखा है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कुत्सित है, वे काट छाट कर मेरे बयान को चला रही है। से डेकोरेटेड महिला एथलीट से जब शोषण की बात उठाई तो उनको भूटों के तले रौंदा गया और उनके आरोपी का जिसका चार्जशीट में नाम है उसको संरक्षण दिया गया। तो महिला सुरक्षा की, महिला भागीदारी की अगर बात नहीं होगी तो आधी आबादी के साथ न्याय नहीं। और इसीलिए हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि 50% सरकारी नौकरियां लड़कियों के लिए, युवा महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि गरीब महिला के हाथ में डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा, 1,00,000 रुपए सालाना, 8,500 रुपए महिला, जो गरीब महिला परिवार की सदस्य है उसको वो पैसा दिया जाएगा। किसान न्याय के बारे में बात करना जरूरी है। 10 साल से किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, बड़े बड़े वादे करके आए थे मोदी जी, एमएसपी पे ये कर दूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। लेकिन जब किसानों ने अपने हक की बात करी तो 700 किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद घुटने टेकने का काम किया गया, उसके बाद 3 काले कानून वापस किए। किसान जब दिल्ली आना चाहता है, दिल्ली किसी के बाप की बपौती है, दिल्ली इस देश में सबका है, जितना दिल्ली आपका है उतना दिल्ली मेरा है, उतना इनका है उतना किसी और का है, उतना एक मजदूर का है उतना किसान का है। इस देश की राष्ट्र की राजधानी है दिल्ली, किसान क्या करना चाहता था? दिल्ली आकर शांतिपूर्ण उधर से प्रदर्शन ही तो करना चाह रहा था, उसके रास्ते खुदवा दिए, उस पर कीले बिछवा दी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों पर, किसानों को आतंकी मवाली न जाने क्या क्या कहा गया। और हमारा मानना है कि जब तक इस देश का किसान समृद्ध नहीं होगा ये देश प्रगति नहीं कर सकता है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा करते हैं, किसानों की कर्जा माफी करते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि किसानों की कर्जा माफी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर आप 16,00,000 करोड़ अमीर पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं तो किसानों की भी कर्जा माफी करनी ही पड़ेगी। जीएसटी जिस तरह से खाद पर, बीज पर, कीटनाशक पर, खेती के अन्य उपक्रमों पर जो जीएसटी लग रही है, हम कृषि को जीएसटी मुक्त करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, ये हमारी गारंटी किसानों को। श्रमिकों की बात करते हैं, ये मेरा डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। जितने लोग रोज खुदकुशी करते हैं उसमें से 1/4 25% डेली मजदूर है। मुझे पक्का विश्वास है कि बिलासपुर में भी उबर, ओला, ये स्विगी, जोमैटो जैसे लोग होंगे जो 10 मिनट में आपके लिए खाना डिलीवर करते हैं, 10 मिनट में आपके लिए चाय की पत्ती लेकर आ जाते हैं, बिलगेट जैसे लोग होंगे। कभी सोचा है कि अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए, इनको चोट आ जाए तो उनके परिवारों का क्या होगा? कभी सोचा है कि अगर इनका पैर टूट गया और 6 महीने ये बिस्तर पर है तो इनके परिवारों का भरण पोषण कहां से होगा? और इसीलिए ऐसे गिग वर्कर्स के लिए हम एक सामाजिक सुरक्षा का कानून लाएंगे। मनरेगा लाकर ग्रामीण भारत में कांग्रेस की सरकार क्रांति लाई थी और हम मनरेगा को अब 400 रुपए प्रतिदिन की आय कम से कम करने की गारंटी देते हैं। हम श्रमिकों के लिए और देश के अन्य वर्गों के लिए 25,00,000 की एक हेल्थ बीमा की गारंटी देते हैं, जैसी हमने राजस्थान में शुरू करी, जो आज भी राजस्थान में चल रही है। उसमें इलाज भी होगा, दवाई भी होगी, टेस्ट भी होगा, क्योंकि ये देखा गया कि जब जब घर में अगर बीमारी आ जाती है तो परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं, सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। और अंत में मैं बात सबसे जरूरी करना चाहती हूँ, इससे लाली जाएगी, 73% आबादी है देश की पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी वर्ग, कहां है उनका प्रतिनिधित्व? मीठी मीठी बातें करना तो ठीक है, कहां है वो लोग? क्यों नहीं उनका प्रतिनिधित्व है? क्यों आईएम्स में उनकी 5% है, क्यों आईआईटी में 4% है, क्यों आईएएस के टॉप में 90 में से वो 3 है? कहां है ये लोग और कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो? मेरे नेता एक बात कहते हैं, पैर में चोट आ जाए तो प्लास्टर लगेगा या बैंडेज ही लगेगा या सिर्फ पानी से ही सेक कर आप ठीक हो जाइएगा,
इसका फैसला तो एक्सरे ही करता है कि लिगमेंट टेयर हुआ है, कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, कि पूरी हड्डी टूट गई है, तो ये एक्सरे करना जरूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना जरूरी है। जो पिछड़े हाशिए पर लोग हैं, जो आदिवासी दलित लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम पे नहीं है, उनको आगे लाना पड़ेगा। और राहुल जी बात पूछते हैं, उस बात को जितना ज्यादा पूछा जाए उतना जरूरी है। आप एक एक इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान की टॉप 500 कंपनीज देख लीजिए, कितने के सीईओ दलित, ओबीसी या आदिवासी है? एक के नहीं। मीडिया के एडिटर्स और ओनर्स देख लीजिए, एक के नहीं। क्या उनके अंदर कुछ दिमाग की कमी है? बिल्कुल नहीं। वो हमारे और आपसे ज्यादा सामर्थ्य में है, शायद हमारे और आपसे ज्यादा जुझारू है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की कमी है और उसको हम सुनिश्चित करेंगे। जितने भी पट्टे अभी तक निलंबित है, हम उसको एक साल में पूरा करने की गारंटी देते हैं। फॉरेस्ट एक्ट पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ये कुछ बातें मैनिफेस्टो की है, लेकिन यह मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि 10 साल बाद कुछ सवाल भी पूछने पड़ेंगे। आज गारंटी शब्द चुरा लिया मोदी जी ने, कहते हैं मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी का मतलब है मन लगाने की बारी लगती है। गारंटी तो थी पेट्रोल और डीजल 35 पे मिलेगा, मिल रहा है 100 के पार, तो गारंटी बहुत बड़ी बड़ी खेली मोदी जी ने। गारंटी तो थी चीन को लाल आंख दिखाने की, आंख मूंदकर मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। असलियत यह है कि महंगाई के नाम पर जितना ढिंढोरा पीटा गया 2014 से पहले, आज महंगाई का यह आलम है कि एक मध्यम वर्ग परिवार 2 जून की पौष्टिक आहार खा ले, जिस थाली में दाल भात रोटी तरकारी दही अचार पापड़ हो वो मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि आटा दही पर जीएसटी लगाने वाली ये पहली सरकार है, पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगाने वाले ये पहले लोग हैं। तो महंगाई की कोई चर्चा ही नहीं है। महंगाई की बात करो तो कहते भाई हम लहसुन प्याज नहीं खाते। नौकरी की बात करो तो पकौड़े तल लो, चलो साहब पकौड़ा तलने को भी तैयार है, लेकिन पकौड़ा तलने वाले तेल को भी तो आप 90 से 220 पर ले आए, उस गैस को भी तो 400 से 1200 पहुंचा दिया आपने। बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं मोदी जी ने, ऐसे बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इस देश में किसान, इस देश में युवा, इस देश में महिला आज आतंकित है, तंग है। और जब मोदी जी कहते हैं एक ट्रेलर है, तो लोग कहते हैं प्रभु ट्रेलर में ही पेट भर गया है, पूरी पिक्चर देखने की का कलेजा नहीं है, अब झूला उठाने का वक्त है। क्योंकि बिलासपुर में हूं तो जरूर बिलासपुर के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी। और जैसा कि यहां पे कहा गया, बिलासपुर न्यायधानी है, संस्कारधानी है, लेकिन बिलासपुर का क्या हुआ? और बिलासपुर का बहुत कुछ हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ? 7 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बिलासपुर का प्रतिनिधित्व किया और उसके बावजूद भी बिलासपुर, जो बहुत संघर्ष का शहर है, जो आंदोलन का शहर है, क्रांति का शहर है, जिसने लड़कर अपने हक लिए हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जो कांग्रेस की सरकार ने यहां पर करी, सतनामी समाज से जो आते थे गुरु रविदास जी के नाम पर जो थी वो भी लड़कर लिया, रेलवे जोन का आंदोलन है, इतनी बड़ी रेलवे जोन, इतनी प्रॉफिटेबल रेलवे जोन, और उसके बाद बिलासपुर में 6700 गाड़ियां रद्द। अभी मुझे कोई बता रहा था कि पूजा का वक्त चल रहा था, नवरात्र चल रहे थे, रामनवमी था, सब था, 16-17 ट्रेनें रद्द, सिर्फ मालगाड़ी कोयला ढोने के लिए, अडानी जी का कोयला ढोने के लिए बिलासपुर रह गया है। धुआं आप सांसों में अपने लीजिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड है, कितने लोकल लोगों का भर्ती हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर एनटीपीसी है, कितने लोगों की भर्ती हो रही है? यहाँ पर एससीसीएल है, कितने लोगों की भर्ती हो रही है? कितने IIT, कितने एम्स, कितने IIIT बिलासपुर में आए? बिलासपुर रायपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का, क्या दूसरे बड़े शहर का विकास हुआ यहाँ पर? और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके सांसद चुप रहे। आपके सांसद को फर्क नहीं पड़ता है, 7 बार से आपने भाजपा के सांसदों को जिताया, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको लगता है वो कुछ भी करेंगे और वो जीत कर आ जाएगा। तो आपके माध्यम से जनता से मेरी अपील है कि रोटी को भी पलटना पड़ता है, अगर एक बार रहती है एक ही तरफ तो जल जाती है। रोटी को पलटने का वक्त आ गया है, तभी बढ़िया से सिकेगी, तभी पौष्टिक रहेगी, तभी स्वाद मिलेगी। मेरे बगल में मेरे छोटे भाई देवेंद्र यादव जी हैं, और मेरी अतिशयोक्ति नहीं है, इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मेरे बगल में बैठे हैं, ये पूरे देश के सबसे युवा मेयर बने 25 साल में, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा भाजपा के बड़े नेता का, 2 बार के विधायक हैं, शायद ही ऐसा कोई इनके
जगह का हो जो इनके पास काम के लिए मदद के लिए जाता है उसकी मदद ना करें। और मैं